आप देख रहे हैं बी आज टीवी जनता की आवाज। मैं उपस्थित हूँ अरवल डिस्ट्रिक्ट के समन्वय ऑफिस में, और यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं जिनकी बहुत समस्या है, और समस्या को लेकर एसपी साहब से मिलकर विज्ञापन देने का काम किए हैं। क्या समस्या है उनके साथ बीएसपी के प्रदेश महासचिव भी हैं अशोक शर्मा जी, तो क्या इन लोग का मुख्य समस्या है उनसे बात करेंगे, आपको परिचित कराते हैं। बताएंगे सर अपना नाम आप। मेरा नाम अशोक शर्मा है और हम इस प्रदेश के महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी का। आज हम लोग जो यहाँ एसपी साहब से या मैडम से, कल कमेटी भी गठन किया गया है, उसका कारण है कि ग्रामीण बैंक ने ये लोगों के लोन सेंक्शन किया। ये लोग दलित महादलित हैं, इन लोगों के लोन सेंक्शन किया और लोन का पैसा भी ये लोग बैंक से नहीं निकाले। ये लोग के नकदी दलाल के थ्रू इनको पैसा 10,000 5,000 50,000 अगर निकाला गया बकरी और जनरल के नाम पर, तो इनको 5,000 और 10,000 ही रुपया दिया गया। आज इन लोगों पर बैंक दावेदारी कर रही है कि आप पर 1.25 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया हो गया है, आप पैसा दीजिए। ये गरीब हैं, ये महादलित हैं, ये लैंडलेट्स हैं, प्लस कमाते हैं तो खाते हैं। अब इस उस 420 में दलाल के साथ जितनी भी बैंकें हैं, इसका दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का, उसके सारे मैनेजर इसमें प्लॉटिंग में शामिल है, और उन पर एफआईआर एसपी से हम लोग रिक्वेस्ट किया है कि उन मैनेजरों पर एफआईआर हो, उन दलालों पर एफआईआर हो। और बैंक चेयरमैन से मैं परसों मांग करूंगा कि आप नरम होकर गिरस्तों के साथ इतनी कड़ी स्थिति में फोर्स ले जाके आप उनसे बदली असूलने का काम न करें और उनसे सेटलमेंट सौहार्द पूर्ण वातावरण में करें। कल लोक अदालत था अरवल जिले का, लेकिन सारी बैंकों ने सेटलमेंट किया, मगध ग्रामीण जो इतनी करप्ट है, जिसके मैनेजर एक गरीब को 5,000 मिला है और 50,000 45,000 रुपया में दलाल और मैनेजर है, वो मगध ग्रामीण बैंक का जो भी है दक्षिण बैंक का, उन पर एफआईआर होना है। ये लोग बताएंगे जिनके साथ एक घटनाएं घटी है। टुनू जी भाई ये बताइए, क्या हुआ? आपका नाम? मोहम्मद शफीक आलम जी। कब आप लोग लोन लिए थे? 2012 में लिए। 12 में कितना पैसा लिए थे? 5 मिला 10 मिला। कितना का लोन सेंक्शन कितना का हुआ था? लोन तो जब ये नोटिस आया तब पता चला कि 50,000 का लोन। अच्छा, मिला था मात्र 10,000 रूपए जी। अच्छा, 12 के बैंक में भी नहीं गए हम लोग। अच्छा जी, पैसा कहाँ मिला? घर पे आके मिला। घर पे आके मिला जी। किस लिए वो लिए थे लोन? बकरी के नाम पे था। तो अब क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो गया नहीं सर, गरीब आदमी कहाँ से देगा? 5,000 मिला 10,000 मिला, बताइए 50,000 आया ही नहीं हम लोग के हाथ में। अगर 50,000 मिल जाता तो हम लोग वो हैं गरीब आदमी कि अभी जो समूह भी चल रहा हर हफ्ते हर महीने, आज के नहीं हम लोग रख रहे पैसा, गरीब लोग हफ्ता में भरी रहे, महीना में भरी रहे, इंटरेस्ट भरी रहे, ये बताइए सर कि गरीब लोग के मिला ही नहीं तो कहाँ से भरेंगे हम लोग। यानी कहने का तत्पर्य है कि 50,000 का लोन सेंक्शन हुआ और आप लोग को मात्र 10,000 रूपये मिला जी, है ना? 40,000 रूपया और कौन खा गया? दलाल और मैनेजर खाया। दलाल खाया जी। ये बैंक में कमेश्वर यादव है। कमेश्वर यादव हम लोग के पास आए थे, महावीरगंज के थे। अच्छा, वो कौन है? दलाल है? हाँ दलाल है। कतब उन्होंने ही आपको पैसा दिलवाया जी? अच्छा, पैसा भी वो वही दी है। मात्र 10,000 मिला जी। चलिए, कुछ और लोग हैं और किनके साथ ऐसा हुआ? आइए जाइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आप बताइए? अपना नाम मोहम्मद मजीद जी। आपके साथ क्या हुआ है बताएंगे? हमारे साथ भी यही वाक्य हुआ कि 10,000 हमारे मिला और घर पे ला करके हमारे वाइफ को धोकर दिया। यानी 10,000 पैसा मिला, 50,000 निकासी हुआ लोन जी। आपके नाम पे? बाद में जब नोटिस आया तब मालूम हुआ। उस समय नहीं मालूम था जी? नहीं। ये देखिए स्थिति है इन लोगों के साथ। और लोग हैं, बताइए अपना नाम बताइए आप। राम निवास पासवान जी। आपके साथ क्या हुआ है? हमारा साथ हुआ कि केसीसी के नाम पर लोन किया गया, उसमें पैसा हमको आधा खा गया वही सर। कौन खा गया? नाम बताइए कौन खाया? दलाल का नाम राजकुमार पासवान है। अच्छा, वही दिलवाया पैसा? हाँ। अच्छा, कितना लोन पास करवाया था? लोन 50,000 का था।
अच्छा मिला कितना? मिला 20,000 रुपया। 20,000 रुपया मिला, 30,000 उखा गया। खा गया। अच्छा आज क्या परेशानी हो रही है? आज परेशानी है कि मेरे ऊपर नोटिस किया गया कि 1,65,190 रुपया का, मतलब ये गरीब इनके हाथ में है। ये बैंक नोटिस किया है? बैंक नोटिस किया, तीसरा नोटिस किया था हम लोग। मैनेजर 11 तारीख को ये लोक अदालत में बुलाया गया और कि इतना पैसा दो। अब हम लोग गरीब इनके कहाँ से देंगे सर? और लोग हैं, किनके साथ और हुआ बताइए, अपना नाम बताइए आप। ये हमारा जानकी चौधरी नाम है, घर कलंदरा है, महबीरगंज केल पंचायत थाना तेलपा करती के रहने वाले आए, कहें कि आप लोग का गरीबी रेखा में अगर नाम है तो लोन आया जी। लोन आया, उन्होंने कहे कि 20,000 का लोन है। सारा डॉक्यूमेंट पर हम लोग के अब भिड़ावल पर घर पर आकर साइन ले दिए। साइन लेने के बाद 8 दिन के बाद आते हैं, 10,000-5,000 हम लोग के पैसा घर पर दिया गया बैंक। 10,000 दिया गया कि 5,000? 10,000 कोई के 10,000 किसी के 5,000। आपको कितना मिला जी? हमारा मिला 10,000। 10,000 मिला जी। इसी तरह के कृष्णा है कि आज बैंक तक में आप साइन कर देंगे जी? ना, आज तक उन्होंने आने की हम लोग के खाता तक नहीं मिला सर। खाता नहीं मिला था ना? मैनेजर ने बैंक के दलाल के द्वारा पैसा दिया गया, आज तक खाता तक नहीं मिला पैसा हम लोग के हाथ में। मैनेजर साहब नहीं दिए, दलाल वह 10,000-5,000 करके प्रति व्यक्ति को दिए हैं जी सर। और आपके नाम पे 50,000 निकाला गया जी, बकरी के नाम पर सो करके हम लोग से साइन करवा लिया गया। और जब नोटिस आता है तो पता चलता है कि 50,000 के केसीसी लोन है। घटना यही है। आपको क्या नाम हुआ? मेरा उदय नारायण पासवान नाम है। आपके साथ क्या हमारे पत्नी हम तो थे नहीं, हम दिल्ली रहते थे। अच्छा। कंपनी में काम करते थे तो हमारे पत्नी को जो है बताया कि इस तरह की बात है, 5,000 रुपया आपको मिलेगा से आप जो है बकरी ले लीजिएगा या कोई चीज ले लीजिएगा। कौन बताए थे ये? बताए थे मंटू आलम। अच्छा। मंटू आलम ने बताया और हमारे औरत जाके लिए साइन मोहर करके के यही आया करवा करके और वो भेज दिए वहाँ ले गया बैंक में। और बैंक से जो है वहाँ से पैसा खुद ला करके दिया 5,000 रुपया। 5,000 रुपया। अच्छा। लोन सेंक्शन कितने का हुआ? लोन सेंक्शन 50,000 का। 50,000 यानी 50,000 में मात्र 5,000 मिला? 5,000 रुपया। और वो खा गया? बाकी खा गया। घर पे पैसा दिया था लान का? घर पे पैसा दिया जी। बताइए ये लोग का जो हुआ, ये बैंक गए नहीं ना आज तक खाता मालूम है, न खाता मिला, और ये लोग को 50,000 लोन हो गया और 10,000 रुपया मात्र जो है से इनको दिया गया। आज जो है से इनसे तगादा, इसमें विलिप्त दलाल और उस टाइम में जो मैनेजर है दक्षिण बिहार का वो विलिप्त है हर बैंक, और इसी टाइप के ये ग्रामीण बैंक को ये चला रहा है। और आज ये पब्लिक तवा है, वो सेटलमेंट के लिए भी दवादार नहीं है, बाकी बैंक तैयार है वो तैयार नहीं है। उसके चेयरमैन चाहते हैं प्रशासन से हम अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे, पुलिस लेकर घूमते चलता है बेमतलबी, जबकि नियम है कि आप किसी को टॉर्चर नहीं ग्रस्त को कर सकते हैं। जब हिंदुस्तान सरकार 10,000 करोड़ रुपया कॉरपोरेट घराने को माफ कर सकता है तो क्या ये बिहार सरकार रोज GST आ रहा है? क्या एक गरीब आदमियों को जिसको एक कट्ठा जमीन नहीं है कमाता है तो खाता है तो क्या इसको माफ नहीं कर सकती है क्या? हमें पुरजोर मांग होगा, अगर ये नहीं हुआ तो हम रोड पर इसकी अनशन पर उतरेंगे, आमरण अनशन पर उतरेंगे, या जो भी झेलना हो झेलेंगे और करेंगे। इसी के साथ जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।